आ पाए, क्या मैं और स्वीटी मछली पकड़ने जाएं? मैं तो बड़ी सी वेल पकड़ूंगा। ठीक है ऑलिव, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। इस काम में तो बड़ा माहिर हूँ मैं। मैंने तो बड़े बड़े मछुआरों को सिखाया है कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। चलो मेरे साथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। सबसे पहले तो इसे निकालो और फिर इसमें एक चारा लगा कर कांटे को पानी में फेंक दो। फिर आराम से मछली फंसने का इंतजार करते रहो। इंतजार करते रहो क्योंकि ये काम जल्दबाजी का नहीं है। इस काम के लिए लगन और धीरज जरूरी है। मेहनत का फल मीठा होता है ना। देखा, फंस गई ना। अरे वाह, अरे ये क्या, लगता है मेरी भी फंस गई। अरे वाह, ये काम इतना आसान नहीं जितना लगता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर एक मछली फंसती है। हाँ, मेहनत करोगी तो ढेर सारी मछलियाँ पकड़ सकती हो तुम। ये फंसी, वो फंसी, एक और फंसी। अब लगता है बड़े वाले की बारी है। आज के लिए इतना काफी है ना पापा, काफी है ना? अब देखो मछली पकड़ने का नया तरीका। मछली तुमसे कुछ कहना चाहती है। शायद उसे भूख लगी है। ओ, बेचारी मछली। वाह, इसने तो ब्रेड भी खा लिया है। बाय, ये बताओ दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वेल स्वीपी, लेकिन तुमने उसे आज तक नहीं देखा है। हाँ, देखा है। ग्रे वेल तो हर जगह मिलती है। उनके बाद है पर्पल वेल, फिर है ब्लू वेल, फिर पिंक वेल, लेकिन उतनी खतरनाक नहीं होती है। सबसे खतरनाक तो वो होती है जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, ग्रेट व्हाइट वेल। तुमने देखी है ग्रेट व्हाइट वेल? आपने कभी व्हाइट वेल पकड़ा है पापा? व्हाइट वेल की बात कर रहे हो? तुम शायद मजाक कर रहे हो, है ना? तो फिर आज पकड़ लीजिए ना। हाँ ठीक है, आने दो, वो मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। अरे सूरज कैसे डूब गया भाई, दिन दहाड़े उसे ग्रहण कैसा लग गया आज। तुम नाव को बांध दो स्वीपी, मैं इस अंधेरे में देखता हूँ कि माजरा क्या है। ठीक है, मैंने बांध दिया है, अब तो ये नाव यहाँ से जरा भी नहीं हिलेगी। लेकिन हम है कहाँ? व्हाइट व्हेल के पेट में, जिसे मैंने पकड़ा है। क्या कहा? हाँ? अरे कहाँ चला गया, उसे पता ही नहीं लगता कि कब क्या करना है। रस्सी पकड़े रहना, व्हेल बचकर नहीं जानी चाहिए। पकड़े हुए हूँ, पहले इस तूफान को रोको ऑलिव। आज तुम दिनों में क्या खाओगे बेटे? मैं तो आज व्हेल ही खाऊंगा। ठीक है, मैं पका दूंगी, लेकिन पापाई को तो देखो, वो कभी खाने के टाइम पर नहीं आता और भूख से मेरी जान निकलती है। अरे तुम कुछ भी कर लो, मुझसे बच नहीं सकती, समझ गए? साफ सफाई तो मैंने कर ली, लेकिन पापा अब तक क्यों नहीं आया? मुझे माफ कर दो, गुड बाय ऑलिव, फिर मुलाकात होगी, शायद नहीं। देखिए साहिबान, ग्रेट व्हाइट व्हेल आ रही है, वो लौट रही है। अरे वाह, इस व्हेल को माफ कर दो स्वीपी, शायद ये इन लोगों की अमानत है। इसकी तो पापा, इस व्हेल को इसी वक्त आजाद कर दो। तुम तो दिन भर यहाँ घूमते रहे और स्वीपी ने एक व्हेल को भी पकड़ लिया,
और व्हेल को पकड़ने के लिए उसे बहुत बड़ा इनाम भी मिला है। अनुभव की कमी जान की आफत।